एंडोक्राइन सिस्टम में हमको क्या पढ़ना है, हमारे बॉडी की ग्लैंड्स, क्या पढ़ना है हमारे, हमको यहाँ पे पढ़ना है बॉडी की ग्लैंड्स। चालू कर दो यार, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। हमको यहाँ पे पढ़ना है बॉडी की ग्लैंड्स। अब समझना, हमारी बॉडी से जितना भी लिक्विड टाइप का मटेरियल सिक्रीट होता है, क्या निकलता है, लिक्विड टाइप का मटेरियल, एकदम देसी स्टाइल में बता रहे हैं कि जैसे मान लो मुंह से सलाइबा आता है। देखो मैं दो चीज़ें बोलता हूँ, एक सलाइबा, एक एक थूक भी आता है, स्पिट कहते हैं ना अपन, दोनों में थूक में मतलब रहता है एक ही जगह है, लेकिन थूक और सलाइबा दोनों में डिफरेंस है। अपन जो सलाइबा होता है मुंह में, वो पता है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो चावल होता है ना, मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है सलाइबा की वजह से। एक कभी कभी देखना एकदम झाग टाइप का थूक निकलता है, वो काम का नहीं है, लेकिन जो सलाइबा है, जैसे मैंने पूरा मुंह सुखा लिया, देखना अपने आप बाहर आता है, क्लियर आता है ना अपने आप बाहर, तो ये एक सलाइबा होता है। तो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, जिनसे मतलब कि मटेरियल सिक्रीट होता है कुछ लिक्विड टाइप का जिससे बाहर आता है, उस तरह से हमारी बॉडी में दो टाइप्स के ग्लैंड्स होती हैं। कितने टाइप्स की? दो टाइप्स की ग्लैंड होती हैं। एक होती है हमारी एंडोक्राइन और एक होती है हमारी एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में ट्यूब प्रेजेंट होती है और एंडोक्राइन में ट्यूब अब्सेंट होती है। ट्यूब मतलब कैसे, समझना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी में मान लीजिए कि इसके गले में मतलब या इसके मुंह में या गले में मान लीजिए एक ग्लैंड है, ये गले में ग्लैंड है, इसके मुंह में भी एक ग्लैंड है, क्लियर। और यहाँ लीवर है मान लो, ऐसे मान लो ये लीवर है, क्लियर। इसके ब्रेन में एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन में कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझना मेरी बात, मैं एक एक एग्जांपल अभी ले रहा हूँ। ये हमारी है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिनको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एक हमारे मुंह में है सलाइवरी ग्लैंड, कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। अब समझना एक चीज और, इन दोनों ग्लैंड से ही लिक्विड टाइप की चीजें निकलती हैं। और लिक्विड टाइप की कैसे, जैसे वो क्या बोलते हैं, पानी। अरे यार देखे तो हो ना सलाइबा, नहीं देखे तो देख सलाइवर देखे हो ना, क्लियर। तो जो सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवर निकलता है। और जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवर निकलता है ना, हम उनको बोल देंगे एंजाइम्स। क्या बोल देंगे? मतलब जो एक्सोक्राइन से निकलेगा वो होगा एंजाइम, और जो एंडोक्राइन से निकलेगा वो होगा हार्मोन्स। क्या होगा? हार्मोन्स। अब समझना मेरी बात, जो एंजाइम होता है इसको जहां पे जरूरत है वहां तक ट्यूब होती है। जैसे मान लो कि हमको ना ये कान है ना, इस कान के पास एक ग्लैंड है पैराटिड ग्लैंड, अभी मैं बनाऊंगा। कान के पास एक ग्लैंड कौन सी है? पैराटिड। अब ये वाले हमको सलाइबा कहाँ जरूरत है? मुंह में। तो जो इसका सिक्रीशन होगा ना, यहाँ ग्लैंड से एक पाइप निकली है और ये पाइप जो आके आई है मुंह में खुली है, समझ में आया। तो इस ग्लैंड का सिक्रीशन कहाँ हुआ है? जहाँ जरूरत है। तो ये वाली ग्लैंड होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और किसके थ्रू आया है? ट्यूब के थ्रू आया है। किसके थ्रू आया है? ट्यूब के थ्रू, क्लियर। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जैसे मान लो हमको ब्रेन में है, ब्रेन के अंदर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब मान लो कि हमारे बॉडी में इस हाथ की ग्रोथ होना है, इस हाथ की ग्रोथ होना है, तो जो एंडोक्राइन मतलब जो सर में ग्लैंड है ना, तो वो ग्लैंड से पाइप नहीं आई इस हाथ तक, वहां पे ब्लड है, वो उसी ब्लड में सिक्रीट हो गई। अब ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में घूमता है। दो चीजें हमको अच्छे समझ में आ गई, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है तो जो उसका मटेरियल निकलता है, तो जहां पे ग्लैंड है वही मटेरियल निकाल देता है।
जहां ग्लैंड है वही मटेरियल निकाल देता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पाइप कोई भी ट्यूब नहीं है। क्लियर हुआ? लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, तो जहां हमको जरूरत है उस ग्लैंड से लेके वहां तक पाइप जाती है। दो चीजें समझ में आ गई, यदि पाइप यानी डक्ट या ट्यूब, हम इसको डक्ट भी बोलते हैं, पाइप है डक्ट है तो एक्सोक्राइन, नहीं है तो एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में जहां पे ग्लैंड है उसका सिक्रीशन वहीं निकल जाता है, और है ना, और एक्सोक्राइन में जहां जरूरत है वहां तक पाइप लेके जाता है। क्लियर हुआ? अभी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है एंडोक्राइन। क्या पढ़ना है? हम ये पढ़ेंगे सिर्फ सिर्फ इस चैप्टर में एक्सोक्राइन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में है इलेवेंथ में ही, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में है ये हमारा। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे अभी एंडोक्राइन। अब देखो, पहले अपन ऐसा करते हैं, सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड का हम डायग्राम बना लेते हैं। क्लियर? कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ है, तो अपने को और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो, अच्छा तुम लोग इसको लिखे नहीं थे क्या? चलो वीडियो है उससे लिख लेना आज भर, है ना। अब देखो इधर, क्योंकि टाइम भी नहीं है ना लिखने के लिए, सबके पास है ना मोबाइल, वीडियो से नोट कर लोगे ना। चलो अब अपन देखेंगे हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, कहाँ कहाँ पे ग्लैंड्स हैं वो देखना। तो सबसे पहले हम अपन माउथ से स्टार्ट करते हैं, पैर तक जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखो, मैंने बना लिया मुंह, ठीक है, इतना बुरा भी नहीं। ठीक है, आप समझो सही बना। अब यहां पे देखो, यहां पे कान के पास यहां पे एक ग्लैंड है जिसको हम बोलेंगे पैराटिड। क्या बोलेंगे? कान के पास जो है पैराटिड। अब देखो हमारा यहाँ पे मुंह है, तो मुंह के अंदर ही तो जीभ होगी। जीभ के अंदर एक ग्लैंड है जिसको हम बोलेंगे सबलिंगुअल। जीभ को एकदम सुखा लो, कुछ मत टच करो, अपने आप गीली हो जाएगी। सुखाओ, हुआ गीला हुआ, तो इसके अंदर होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। फिर देखो यहाँ पे जो हमारा लोअर जो होता है ना, नीचे वाला जो जबड़ा होता है, यहाँ पे भी एक ग्लैंड होती है, इसको हम बोलेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। एक यहाँ पे होती है ऊपर वाले जबड़े के पास, जहाँ से ऊपर वाले दांत जुड़े हैं ना, अरे अंदर, तो यहाँ होती है हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड। समझ में आया? पता है तुम लोगों को, यहाँ भी ग्लैंड्स होती हैं आंखों में, जहां से सुबह सुबह कुछ निकलता है अपन, जब नींद आती है। ऐसी तो आंख रहती नहीं रहती है? अरे ऐसी रहती है, अरे तारीफ करते रहो, अच्छी बनाऊंगा। ये है, अभी वहां पे बाल आएंगे, अभी आए नहीं, ये देखो ना, ये क्यों यहीं रहते हैं, अभी ये बाल नहीं आए। अच्छा, वो बाल ही बना दिए थे। ठीक है, समझ गया ना, अपना काम तो हो गया। यहां पे भी एक ग्लैंड होती है, यहां पे इसको हम बोलते हैं जाइस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? अब सुनो अच्छे, बताओ कभी अपनी आईब्रो, जो आईब्रो ही होते हैं ना, ये होते क्या होते, ये क्या होते,
अरे जो भी, मतलब कभी इनमें ऐसा वो हुआ है कि ये ना अपन नहाए ना हो 3-4 दिन से और इनमें कंघी फंस गई हो, मतलब ये आपस में उलझ गए हो? ऐसा क्यों नहीं हुआ होता? हर जगह के बाल तो उलझ जाते हैं, लेकिन आंख के ये ऐसे बाल हैं कभी नहीं उलझते। इनमें भी एक ग्लैंड्स होती है, मायोबियन ग्लैंड, जो घी टाइप का, ऑयल टाइप का मटेरियल कंटिन्यू सिक्रीट करती रहती है, जिनसे ये लुब्रिकेट चिकने बने रहते हैं। कौन सी ग्लैंड होती है? मायोबियन ग्लैंड। क्लियर, ये हो गया। अब चलो ये हम ब्रेन में भी यहाँ पे एक बना देते हैं। ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी हो गई है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर, अब हमारा इतने का काम हो गया। अब गले में देखते हैं। कभी देखो गले में किसी किसी को थायराइड हो जाता है ना, तो यहाँ पे भी एक ग्लैंड होती है। थोड़ा गला लंबा बना लेते हैं। यहाँ पे भी देखो एक ऐसी ग्लैंड होती है एच शेप की होती है। कैसी होती है? एच शेप, जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड में बीच बीच में ऐसे एक और ग्लैंड होती है छोटे छोटे, जैसे मान लो एच शेप का है, एच शेप में ऐसे सिक्के टाइप के रख दो, तो यहाँ पे होता है पैरा थायराइड। क्या बोलेंगे? पैराथायरॉइड ग्लैंड यहाँ होती है। क्लियर, उसके नीचे आ जाओ तो अपना हार्ट है ना, क्या है अपना हार्ट, मतलब कि यहाँ पे लंग्स है ना, और यहाँ पे हार्ट है। और हार्ट के ऐसे देखो कुछ ऐसे एक और ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं थाइमस। क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड। क्लियर, यहाँ पे होती है, इसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक, और अब हार्ट के बाद आ जाओ तो पेट, पेट में यहाँ पे लीवर और यहाँ पे पैंक्रियास। क्लियर, तो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा ऐसे लीवर और यहाँ पे पैंक्रियास, ये हो जाएगा लीवर। और यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे क्या होता है? किडनी, किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर भी एक ग्लैंड होती है ना, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के बाद यदि आ जाओ तो, यदि हम बात करें तो मेल में होती है टेस्टिस। टेस्टिस एक पेयर होती हैं। अब फीमेल में क्या होती है? ओवरी। ये ओवरी है, फीमेल में क्या होती है? ओवरी। हो गए अपने बॉडी के इतने, इससे ज्यादा ग्लैंड नहीं है, इतनी अपने को पढ़ना है। क्लियर, हो गया ना? तो ये हो गया हमारा ग्लैंड्स। अब यहाँ पे एक काम करो, एक बार और देख लो। ये हमारे हो गई हेड की, फिर गले, गले के बाद ये हमारा थाइमस ग्लैंड, हार्ट, पैंक्रियास, लिवर, एड्रिनल, ओवरी और टेस्टिस। ठीक है, बनाओ फटाफट। वही हमसे से की रब कर दूँ इसको, बना लेना मोबाइल से, वीडियो से, टाइम नहीं है ना अपने पास ज़्यादा। अच्छा, किस किस को सारी ग्लैंड याद हो गई? तुमको याद हो गई यहाँ से यहाँ तक? बोलो। हाँ, सब में पैराटिड, पैराटिड नीचे जो है थे, सब मैं, सब मैंडिबुलर ऊपर, सब मैगजिल, मैगजिली टंग में, सब लिंगुअल, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, लिवर, पैंक्रियास, एड्रिनल और टेस्टिस और ओवरी। याद हो गई सारी की सारी? पक्का कल पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं तुमको वहां तक पढ़ा रहा हूँ जहां तक उन बच्चों को पढ़ा दिया हूँ, इसलिए आज उनकी छुट्टी किया हूँ। क्लियर,
हाँ उतना जरूरत नहीं है, वो मैंने उसका भी बता दिया था उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलता है, तो उसको डाइजेशन में पढ़ेंगे, क्लियर। अब इसके बाद देखो एंडोक्राइन के स्टडी को हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हम उसको बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलेंगे इसके स्टडी को? हम बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी, क्लियर। फिर फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है थॉमसन एडिसन, थॉमसन एडिसन, क्लियर। देखो वैसे नॉर्मली देखो भूलेगा नहीं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, एंडोक्राइन, इसके स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी, क्लियर हुआ। फिर इसके फादर कौन है? थॉमसन एडिसन, क्लियर। और सिक्रीशन ऑफ, ये बोल रहा है कि सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज डायरेक्ट इन ब्लड, मैंने जो बता दिया जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है डायरेक्ट कहाँ होता है? ब्लड में। तो आप ऐसा बोल सकते हो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इज डायरेक्ट इन ब्लड, जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है डायरेक्ट कहाँ होता है? ब्लड, बिकॉज डक्ट इज अब्सेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पास डक्ट अब्सेंट होता है। अब एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ सुनो, हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड टाइप का चीज़ है, चाहे वो सलाइबा हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो ब्लड हो, जितना भी लिक्विड टाइप का है, जैसे निकल जाता है चोट कहीं पर, तो जैसे मान लो चोट लग गया, वहाँ से जैसे ब्लड बाहर निकल जाता है, देखोगे वहाँ पानी टाइप का कुछ निकलता है। मतलब मेरे कहने का मतलब हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड टाइप का चीज़ है, चाहे वो जहरी हो, हर एक चीज़ प्रोटीन है। हेलो, क्या बोला मैंने? हमारी बॉडी में जितना भी टाइप का लिक्विड लिक्विड टाइप का है, ये आंसू छोड़ दो, पता चले पानी पी लिए मुंह में, बोले ये भी प्रोटीन है, ये वाला नहीं, समझ गए? मतलब जितना बनता है जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्या हैं? प्रोटीन, क्लियर। चलो तो ये हो गया सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज डायरेक्ट इन ब्लड, चाहे वो हार्मोन हो चाहे वो एंजाइम्स हो, इसलिए हम ऐसा लाइन भी बोल सकते हैं कि ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट हार्मोन्स, क्लियर, ये भी याद रखना अपने को। उसके बाद हम देखेंगे, अब देखो जो हमारे बॉडी का कंट्रोल होता है, तो हमारी बॉडी में ऐसी दो चीजें हैं जो पूरे बॉडी का कंट्रोल करते हैं, एक होता है हमारा ब्रेन, है ना, एक होता है हमारा ब्रेन और एक होती है हमारी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड, अब ब्रेन में मेनली नर्वस टिश्यू, नर्व सेल। कैसे कंट्रोल? जैसे देखो हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, ठीक है, रोना आ रहा है, कोई बातें कोई बोल दिया तो बुरा लग गया, कुछ अच्छा चीज़ हो गया तो अपन खुश हो गए, तो ये जितनी भी एक्टिविटी हैं, तो ये दोनों लोग मिल के कंट्रोल करते हैं हमारी पूरी बॉडी के। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमको कब तक याद है, कब भूल गई, ये हम बायो पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको जैसे नीचे जाना तो सीढ़ी से ही जाना है, डायरेक्ट जंप नहीं करना, तो ये जितनी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी की सारी कौन कम कंप्लीट करता है? ब्रेन और ग्लैंड्स। इनका हम ब्रेन का अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स का यहीं पढ़ेंगे। ब्रेन के लिए अलग से एक चैप्टर ये नर्वस सिस्टम, क्लियर, इसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको हम यहीं पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा। देखो अब जैसे अब यहाँ पे एक चीज और, जो इसका एक्शन होता है ये फास्ट होता है, इसका एक्शन कंपेयरली स्लो होता है, वैसे होता है ये भी फास्ट है लेकिन कंपेयर में थोड़ा स्लो होता है इसका एक्शन, क्लियर। और इसको तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से, मजा आएगा। फिर इसके बाद नर्व टिश्यू स्लो, अब हेडिंग डाल देंगे अपन, इतना तो हो गया हमारे पूरे चैप्टर के बारे में शॉर्ट, मतलब इसके हम फादर को बोलेंगे थॉमसन एडिसन, इसके स्टडी को बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी, ये ब्लड में डायरेक्ट सीक्रेट होता है, इसके दो पार्ट होते हैं ब्रेन और ग्लैंड्स, ये मतलब एक्शन फास्ट होता है, इसका एक्शन स्लो होता है।